बिहार में लगातार खून की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है एक दर्जन से ज्यादा जो है फूले गिर चुकी है। फूले वही है जो गिर रहे हैं जो की जनता दल यूनाइटेड के टाइम का। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में। इन लोगों के कार्यकाल में फूल गिरा है, आने वाले समय में उनको सत्ता में लौटने ले जाएंगे। आवश्यकता है सबसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार फूल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है एक दर्जन से ज्यादा जो है फूले गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुलिस सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बार आप देखे हैं फूल गिर रहा है, लीक का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है, यही डबल इंजन की सरकार है। और एक बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में फूल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देंगे। अरे यहाँ लोग बैठ करके पुल गिरवा रहा है। चलो।